हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम इन द यूनिक कोचिंग क्लासेस। आज दूसरा सेंट्रल आइडिया मैंने बताया था इसके पहले एक बाय मदर अर्थ 66 के बारे में। आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है? ये हमारा स्टीफन स्पेंडर द्वारा जो है पब्लिश किया गया है। इसमें देखिए, स्लम एक प्लेस है, स्लम एक स्थान है और इसी के बारे में हमें बताया गया है। स्लम एक स्थान है जिसमें एक एलिमेंट्री स्कूल है और वहाँ का एक क्लासरूम है और उसी के बारे में इसमें डिस्क्राइब मैंने किया है। सेंट्रल आइडिया शुरू करने से पहले इसमें कुछ और भी बता दें आपको कि इसमें स्टोरी इसकी क्या रही। जो सेंट्रल आइडिया था इसमें वो देखिए, मैंने बताया कि एक स्कूल की जो क्लासरूम है उसके बारे में है। इसमें बच्चों के बारे में बताया गया कि जो उसमें बच्चे पढ़ते हैं वो बिल्कुल ही उनके चेहरे सुस्त दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही गरीबी की हालत उनकी होती है और उनकी उदासी उनकी गरीबी का कारण बन जाती है। माने वो बच्चे उदास रहते हैं केवल अपनी गरीबी कारण, वो हमेशा रोगग्रस्त रहते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए अच्छे से मिल नहीं पाता। और उसी स्कूल के क्लासरूम में एक छोटा सा बच्चा है जो एक कमरे के कोने में बैठा हुआ है और उसकी आंखें ऐसी लगती हैं कि जैसे स्वप्न देख रही हैं, कि गिलहरी के साथ वह जैसे बाहर खेल रहा है और अंधेरे कमरे में बिल्कुल सबसे अलग बैठा हुआ है। और उसी स्कूल के क्लासरूम में कुछ ऐसे जो है तस्वीर है जो टंगे हुए हैं, जो दान में दिए गए थे, किसी ने जो है दिया हुआ था स्कूल में। और उसमें एक शेक्सपियर की भी तस्वीर है जो कि उनका सिर गंजा है, माने उनके सिर पर बाल नहीं दिखाई पड़ रहा और बिल्कुल जैसे लगता है जैसे उगता हुआ कोई सूरज है उससे मिलता जुलता जो है तस्वीर था। उसमें एक पोस्टर भी लगी हुई है जो टिरोलीज घाटी का है, जो बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है, जो प्रकृति की सुंदर रचनाओं का बिल्कुल प्रतीक माना गया है। और वहाँ पर एक नक्शा भी है, एक मैप भी है। और इन बच्चों को दुनिया के इन तस्वीरों में से दिखाई नहीं गई है, लेकिन वह बच्चे ऐसे हैं जो कमरों की खिड़की से बाहर क्या कर रहे हैं, आ और जा रहे हैं। माने इस बच्चों के बच्चे क्या कर रहे हैं, खिड़कियों में से बार बार इधर से उधर निकल रहे हैं। और इन चित्रों को समझना उनकी क्षमताओं से बिल्कुल परे था, वो समझ नहीं पा सकते थे उसे। वे हर किसी से नफरत करते थे और इसलिए शेक्सपियर भी एक जो है दुष्ट आदमी उनके लिए बन गया था, जैसा कि कोई भी जो है उससे प्यार नहीं करता था। वे सभी को नापसंद करते हैं, प्यार और सुख स्वीकृति की इच्छा उन्हें जैसे चारों तरफ से अपराध बनाने के लिए मजबूर कर देती थी। बच्चे इतने पतले थे कि जैसे कपड़े उनके त्वचा की तरह जो है एकदम बिल्कुल सटे हुए थे और वो बिल्कुल उनका जो शरीर था वो कंकाल की तरह दिखलाई पड़ता था, केवल इसीलिए कि उन्हें जो है पर्याप्त मात्रा में जो नरिशमेंट है, जो पोषक तत्व है, वो नहीं मिल पाता था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वे केवल अपनी संभावनाओं की जो झोपड़ियाँ थी उसका केवल निर्माण करते थे। और उनकी शिक्षा प्रणाली तो ऐसी थी जैसे वो गंदे बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। तो कवि जो यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर हैं, वो इन सब को देखते हुए वो कुछ अधिकारियों से अनुमति देने का विरोध करते हैं ताकि उन क्लासरूम की जो दीवार है उस पर जो नक्शे लगे हुए हैं उनको एक अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लिया जाए। और उन जो गंदे स्थान हैं, जो बंद बस्तियाँ वहाँ की गंदी हैं, जो गंदे गंदे लोग की तरह वहाँ पर लोग रहते हैं, उन स्थानों को, उन लोगों को भी सही कर दिया जाए ताकि जो समुद्र तटों की धूप है या गर्म रेत है या चमकदार नीले आकाश हैं और उनके मन में जैसे ज्ञान की एक भूख पैदा हो, फिर क्या होगा कि इससे सब कुछ वो सब सीख लेंगे और अपने जो है जीवन को अपने अलग दिशाओं में उसे लेकर चलेंगे। अब दोस्तों, जो इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी बता देते हैं आपको कि स्लम का जो स्कूल, इसमें लिखा है कि इन दिस पोयम द पोएम स्टीफन स्पेंडर हैज़ प्रेजेंटेड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम। माने इस पोयम में जो स्टीफन स्पेंडर हैं
वो एक प्रेजेंटेड माने प्रस्तुत करते हैं एक ट्रू पिक्चर, वास्तविक पिक्चर करा जीवन के बारे में, जो स्लम के एक जो है स्कूल में है, माने स्लम के एक स्कूल में जो बच्चे हैं उनके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया। वहाँ पे जो है प्रेजेंट एक जो है पिक्चर जो है प्रेजेंट करते हैं, और वहाँ भी बताते हैं कि जो चिल्ड्रेन हैं, द चिल्ड्रेन आर इन ए वेरी माइजर एबल कंडीशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी। जो बच्चे हैं वो बहुत ही माइजर एबल कंडीशन में, माने उनकी स्थिति जो है दयनीय थी, और किसके कारण? केवल उनकी पॉवर्टी माने उनकी गरीबी के कारण, और इलिटरेसी, इलिटरेसी का मतलब होता है अनपढ़पन के कारण। अब कह रहा है कि दे आर डिप्रेस्ड, दे लुक वीक एंड लीन, माने कह रहा वे बहुत ही दुखी थे और वे बिल्कुल कमज़ोर दिखाई पड़ते थे, बिल्कुल लीन थे। लीन का मतलब जैसे पतला दुबला पतला हो जाना। किस कारण? ड्यू टू नॉट जो है गेटिंग प्रॉपर नरिशमेंट, क्योंकि उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट माने पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता था। देयर जो बोन्स पिप्ड आउट देयर स्किन्स, ऐसा लगता था कि जैसे उनकी जो हड्डियाँ थी, बोन्स थे, वो पिप्ड आउट माने ताका झाकी कर रही थी उनके स्किन से। माने कहने का मतलब है कि उनके जो बोन्स थे वो बिल्कुल जैसे उनकी स्किन से बाहर की तरफ निकले होते थे, माने कंकाल की तरफ दिखलाई पड़ते थे, इतने दुबले पतले थे। दे आर फिजिकली वेरी वीक, माने वे भौतिक रूप से बहुत ही कमज़ोर दिखलाई पड़ते थे, और अंडर नरिश्ड माने वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में, वही नरिश का मतलब पोषक तत्व नहीं मिल पाता था। द पोइट इज मच वरीड, माने कवि जो था माने स्टीफन स्पेंडर इस बात से बहुत चिंतित हो गए थे, और फॉर दिस चिल्ड्रेन माने इनसे बच्चों के लिए, हु लीव करा ऑल देयर लाइफ इन स्लम, माने जो स्लम में ही अपना पूरा जीवन बिता दिए, और ही मेक्स ए फ्रेंटिक अपील टू द अथॉरिटीज, और अंत में उन्होंने क्या किया, जो स्लम के स्थान था वहाँ की कुछ अथॉरिटीज को माने कुछ अधिकारियों से क्या किया, करा कि साथ देने का जो है जैसे पूछा, उनसे कहा कि जो है भाई कुछ यहाँ की मदद किया जाए। द एजुकेटेड एंड एफ्यूएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू मेक द लाइफ अ स्लम चिल्ड्रेन। वहाँ जो मतलब बताया गया, वहाँ पोएट के द्वारा बताया गया कि जो वहाँ के बच्चे थे उनको एजुकेट किया जाए, और पर्याप्त मात्रा में जो है उन सोसाइटी जो गंदीपन में था उसकी सोसाइटी को, समाज को जो है सही दिशा में ले चला जाए, वहाँ के बच्चों को सही किया जाए। टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रेन माने किस प्रकार, जिस प्रकार स्लम के चिल्ड्रेन के बच्चों का जीवन था उन्हें बिल्कुल बदल दिया जाए, बेटर हो माने अच्छा हो जाए थ्रू एजुकेशन, माने ये किससे अच्छा हो सकता है, केवल शिक्षा से ही। माने एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन्स टू हेल्प द स्लम चिल्ड्रेन टू प्रोग्रेस इन देयर लाइफ। इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, माने यह क्या करेगा, यह आपको कराया कि रिमूव माने जैसे जो समाज में इनजस्टिस है, जो अन्याय है, उसको क्या करेगा, हटा देगा। और क्लास इनइक्वालिटी माने जो क्लास की इनइक्वालिटी है, अर्थात जैसे देखते हैं भेदभाव या जो भी रहता है उसको भी क्या करेगा, उसको दूर कर देगा। आज के लिए दोस्तों दूसरा वीडियो कंप्लीट होता है, और लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहिए, मैं तीसरा वीडियो भी सेंट्रल आइडिया का जल्द ही दे दूँगा। धन्यवाद।